देश में पहली बार बिहार के अंदर खोला गया फर्जी थाना। डीएसपी से लेकर चौकीदार तक निकले फर्जी। नकली सिपाही को असली ट्रेनिंग दी जाती थी। बिहार में खोल दिया गेस्ट हाउस में ही थाना। वाह रे बिहार, पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा थाना ही फर्जी निकला। जब ये सूचना डीएम के मिला तो डीएम भी रह गया दंग। इस खबर को सुनते ही पूरे बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान में मचा हकम। फिर जब डीएम ने लिया एक्शन तो फर्जीवाड़े के हो गए सारे खुलासे। आप लोग नकली सामान तो सुने होंगे, लेकिन बिहार में यहाँ नकली थाना ही खोल दिया गया है। यह सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब दरोगा सिपाही ही नहीं पूरा थाना ही फर्जी था। काम करने का सिस्टम असली थानों की तरह था, लेकिन उस वर्दी में ओरिजिनल पुलिसकर्मी नहीं बल्कि एक जलसाज तैनात थे। और बांका शहर में एक गेस्ट हाउस में 8 माह से फर्जी थाना चल रहा था। इसका सुराग पुलिस को भी नहीं था। यहाँ लगाए गए फर्जी पुलिसकर्मी के असली पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ तक कि जब जांच के लिए इंस्पेक्टर आया तो नकली महिला सिपाही ने असली पुलिसकर्मी की तरह जय हिंद बोलकर सैल्यूट मारता था। असली पुलिस की तरह नकली महिला सिपाही के पास भी हथियार था। पुलिस के जांच में जब खुलासा हुआ कि फर्जी पुलिसकर्मियों के असली की तरह दिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, यह पुलिस बहाली के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह चलाते थे। दरअसल बिहार में फर्जी लोग भी अपनी मर्जी के यहाँ दरोगा और सिपाही ही नहीं बल्कि फर्जी आईपीएस भी तैयार हो जाते हैं। गेस्ट हाउस में पूरा थाना तो घर में रजिस्ट्री ऑफिस तक खोल दिए जाते हैं। इन फर्जीवाड़ों ने स्कॉट पुलिस की पटना के नाम से एक फर्जी ट्रस्ट बना कर रखा था। अगस्त 2023 में हुए खुलासे के बाद बिहार ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया है कि इस बिहार में फर्जी थाना खोलने का प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे हुआ। यह सारी जानकारी अब विस्तार से जानिए। दरअसल बिहार के बांका जिले के नगर थाने के इंस्पेक्टर शंभू यादव ने जब पहली बार फर्जी थाने के सिपाहियों को देखा तो दंग रह गए थे। वह बताते हैं कि पुलिस बल के साथ वह शिवजी चौक से कुछ दूरी पर गश्ती कर रहे थे। इसके दौरान उनकी नजर एक महिला कांस्टेबल पर पड़ी जो थोड़ी दूर पर कट्टा के साथ खड़ी थी। थानेदार महिला सिपाही के वर्दी में कट्टे के साथ एक लड़की को देखकर दंग रह गए। शक के आधार पर नगर थाने जैसे ही फर्जी महिला के सिपाही की तरफ आगे बढ़े तो वह असली पुलिस के तरह सलामी देने लगी। हालांकि जब पूछताछ में पोल खुल गई और गेस्ट हाउस के छापेमारी की गई तो बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए। आपको बता दें कि खगड़िया से 2 मार्च 2023 को ऐसे ही फर्जी दरोगा को पकड़ा गया जो खुद को सीएम सिक्योरिटी में तैनात होने का दावा कर रहा था। चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने अजय कुमार यादव के नाम के फर्जी दरोगा का जेल रोड से पकड़ा गया था। जांच में पता चला कि वह 3 माह से फर्जी पुलिस बनकर वर्दी के धौंस दिखा रहा था। हालांकि सीएम सिक्योरिटी उसके शामिल होने के खबर जैसे ही खगड़िया पुलिस को मिली तो वहां पे तुरंत झूठा बताया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में फर्जी दरोगा और सिपाही की गिरफ्तारी आम बात है। इसे लेकर पुलिस को कहना है कि ऐसे मामले सामने आते हैं और यहां पुलिस तत्परता होकर जबकि एक तर्क के भी आपको फर्जीवाड़े को काफी दिन तक नहीं चला पाते हैं।